ए चुपचुपिया बारा आना बारा हिला मत अपने दोनों हाथ फुटपाथ पर रखो बोला ना अपने दोनों हाथ फुटपाथ पर रखो पर यहाँ फुटपाथ कहाँ है अच्छा तो फिर नूडल्स पर अपने हाथ रखो नूडल्स पर हाथ रखो चिकन या मसाला चिकन चिकन बहुत अच्छे बहुत अच्छे तेरे की तू अबे अरे यार टली टली तू यहाँ क्या कर रहा है अबे गधे की औलाद ये बता पहले तू यहाँ क्या कर रहा है गले की सफाई करने आया था और क्या डिटेक्टिव मलोन मैं अंदर आ रहा हूँ बंदूक नीचे फेंक दे अपने बंदूक नीचे फेंक दे डिटेक्टिव मलोन अब कहाँ है जाओ यहाँ से पीछे से भाग जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ अबे जाना पीछे से जाना डिटेक्टिव जवाब दीजिए तुम यहाँ से भाग नहीं सकते अबे नहीं जाना तू जा हिला मत गोली मत चलाना रुको कहाँ गया सर आप ठीक तो हैं हाँ मैं ठीक हूँ मर गए तेरे की यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं समझे मैं अंधा नहीं हूं सर वो उस कचरे के डिब्बे के पीछे और उसके पास एक बंदूक भी है पीछे हट जाओ खास शूटर्स को बुलाओ जी सर वो लोग इसे जरूर पकड़ लेंगे हाँ न, नहीं उन्हें मत बुलाइए क्यों ना बुलाएं उन्हें माल अबे तू इधर क्या कर रहा है यार वो किससे बात कर रहा है मुझे क्या मालूम वो नशे में सर वो यूं ही बड़बड़ा रहा है चर्सी ऐसी होते हैं हाँ चर्सी हाँ चुपचाप बंदूक फेंको सामने आ जाओ ये पकड़ो मैं इसे देखता हूँ ये क्या कर रहे हो पागल हो गए हो क्या माल तू यहाँ क्या कर रहा है इससे पहले कि कोई जख्मी हो जाए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ ये फूटिया से चलो जल्दी से अपनी बंदूक नीचे फेंक दो जिद नहीं करते देखो मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हारे जैसा हो रहा बच्चा ऐसा काम कर रहा है तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैं बाहर आ रहा हूँ रुक जा तेरी मेरी बात सुन तू ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तिजोरी के पीछे मत पड़ काउंटर के पास जा सीधा रोकड़ा उठा और चुपचाप यहाँ से नौ दो ग्यारह हो तू मानेगा नहीं मेरी बात मानेगा नहीं तू ओह मलोन बीच में खड़ा है मैं चोर पर गोली भी नहीं चला सकता ठीक कहा सर ऐसी जगह पर अकेले शान पट्टी मारने क्यों निकल पड़ता है तू देख टली तू मेरा ड्राइवर है और तू इतना काबिल भी नहीं है कि ऐसे ही सारे आम निकलकर किसी भी जगह पर चोरी करे पर मुझे भी तो पैसे चाहिए मेरा हिस्सा तो तुमसे भड़प गए और तू फुसफुसा क्यों रहा है बे पीछे हट कर लूं तुझसे कह रहा हूं ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम सर देखो टली मैं इन लोगों के बीच बड़ी मुश्किल से घुस पाया और तू मेरा बना बनाया काम क्यों बिगाड़ रहा है समझ में नहीं आता यार अब उनके भेजे में कुछ है ही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं देखो क्या? मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ वाकई नाराज नहीं हूँ पर मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा और तुम्हें बंदूक मुझे देनी होगी ना टली समझा कर मेरे दोस्त कमाल कर है अच्छा मैं तुझे 10,000 दूंगा तू जानता है मैं जमान का कितना पक्का हूँ 50 से कम में तो नहीं भाई टली 50 मांगता तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है हद है अच्छा ठीक है बीज दूंगा समझा और तुम्हें एक रात जेल में रहना होगा देखो टली इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा अच्छा ठीक है पर मैं अपनी बंदूक नहीं दूंगा तुम्हें गिरफ्तार करूंगा तो बंदूक तुम्हारे पास कैसे छोड़ सकता हूँ गधे की धौम क्या यार इतनी मुश्किल से तो ये बंदूक मिली है हाँ माना मुश्किल से मिलती है पर अब तुम ये बंदूक मुझे देनी पड़ेगी समझे तुम करना क्या चाहते हो टली या तो तुम मुझे ये बंदूक दे दो नहीं तो उन लोगों की 6-7 गोलियां डकारने के लिए तैयार हो जाओ चलो वो बंदूक मुझे दे दो नहीं इतनी आसानी से मत दो मुझे ये खुद मैं तुमसे लूंगा वो लोग देख रहे हैं ना देख रहे हैं समझो ना अब मैं तुम्हें थोड़ी तकलीफ दूंगा क्या थोड़ी तकलीफ दूंगा ज्यादा नहीं कमाल हो गया यकीन नहीं हो रहा मुझे अब याद रहे अब तू मुझे बिल्कुल नहीं जानता सच्ची नहीं जानता बे अरे तू पहले तो ऐसा नहीं था उन्होंने कहा कार्लसन ये लो मेरी जैकेट और वो बाहर निकले और कहने लगे मुझे एक करना है हमने कहा आप ये क्या कर रहे हैं सर तो फिर कहने लगे पीछे हटो और सीधे चलते उस चोर के पास गए और उससे बातें करने लगे और देखते ही देखते उन्होंने उस चोर की छीन ली और एक